हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कुछ अर्सा पहले एनटीएस ने जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की 237 सीट्स अनाउंस की थी। रिटन टेस्ट के बाद अब एनटीएस ने इंटरव्यू का स्केड्यूल अनाउंस किया है। बहुत जल्द जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यूज होने जा रहे हैं। ई टेस्ट चैनल को बहुत से कैंडिडेट्स की मेल्स रिसीव हुई और पुरजोर इसरार पे ई टेस्ट चैनल ने इंटरव्यू क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपके लिए कंपाइल किए हैं। हमने मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो सबका सेविंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं या जिन कैंडिडेट्स ने जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर के साबका इंटरव्यूज में शमूलियत इख्तियार की है, उन लोगों से हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की है। वो तमाम क्वेश्चंस जो साबका इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, कोशिश की है कि उन्हें आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर किया जाए। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन तक वीडियो देखें। उम्मीद है कि यकीनन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज बैलेंस शीट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच समराइज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी एट अ स्पेसिफिक टाइम। बैलेंस शीट प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। बैलेंस शीट जो है वो एक मखसूस टाइम पीरियड में कंपनी को जो लॉस या प्रॉफिट होता है उसको शो करता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। या बैलेंस शीट जो है इसको इस तरह सादे अल्फाज में कह लें कि बैलेंस शीट एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल वगैरह पर मुश्तमिल होती है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज एसेट? एन एसेट इज एनी रिसोर्स ओन बाय बिजनेस। एसेट की मेन दो टाइप्स हैं जिनमें फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट शामिल है। फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स होते हैं जिन्हें कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को रन करने के लिए परचेज करती है और उस ऑर्गेनाइजेशन का इस इन प्रोडक्ट्स को, इन चीजों को सेल करने का कोई इरादा नहीं होता। इनमें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह शामिल हैं जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज की जा सकती हैं। इसके अलावा करंट एसेट्स में वो तमाम चीजें शामिल हैं जो एक फिस्कल ईयर, माली साल कंप्लीट होने पे जिन्हें फरोख्त किया जा सकता है, जिनमें क्लोजिंग स्टॉक या रिमेनिंग बैलेंस ऑफ गुड्स वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मैनी मेंबर्स इन पार्टनरशिप इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट? सबसे पहले आप ये याद रखिए कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 का लागू है। 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक 20 लोग पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं। इसे फर्दर अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आ जाती हैं, जिनमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में कम से कम 20 मेंबर्स होते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा जितने भी चाहें आप लोग उसमें शामिल कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपने अगर पूछा जाए दोबारा तो इसको आंसर देने के लिए पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज बजट? बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बजट जो है ये एक एस्टिमेट, एक आइडिया होता है एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए, जिसे बनाने के लिए इनकम आमदन को मद्देनजर रखा जाता है और एक प्लान तरतीब दिया जाता है कि एक मखसूस टाइम में इतनी आमदन में किस तरीके से गुजारा किया जाए और इस आमदन को किस किस जगह पे खर्च किया जाए। बजट की मेन तीन टाइप्स हैं जिनमें बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज इनकम? इनकम इज एन अर्निंग आफ्टर सेलिंग गुड्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इनकम जो है ये किसी चीज को या सर्विस प्रोवाइड करने के इवज जो आमदन हासिल होती है उसको इनकम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट की कितनी इकसाम है? कॉस्ट की मेन
सिक्स टाइप्स हैं जिनमें वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो चेंज नहीं होती, चाहे प्रोडक्शन की कैपेसिटी, प्रोडक्शन की रेशो बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है। इसमें बिल्डिंग रेंट वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, तकरीबन सबका इंटरव्यूज में बहुत से कैंडिडेट से पूछा गया, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, अगर इसको सादा अल्फाज में यूं कह लें कि एक बिजनेस जो है वो प्रोडक्शन के अमल से गुजर रहा है, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है और उसे सेल कर रहा है, लेकिन उस बिजनेस में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ऐसी सिचुएशन को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जिसमें ना कंपनीज को प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। जी नाज़रीन, मज़ीद आगे जाने से पहले हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जॉब्स की तैयारी के लिए ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज जर्नल? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज आर कॉल्ड जर्नल, आर या इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लें कि जर्नल इज अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज। अकाउंट्स में जो मुख्तलिफ एंट्रीज की जाती हैं उसे, जिस बुक में की जाती है उसे जर्नल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज एक्सपेंस? दी एक्सपेंडिचर दैट कंपनी मेक्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंसिस। किसी भी चीज को, चीज की पैदावार के दौरान उस पर जो लागत आती है उसे एक्सपेंस कहा जाता है। व्हाट आर एक्रूड एक्सपेंसेस? एक्रूड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जो पे ना किए गए हों या जिन्हें रिकॉर्ड में ना लाया गया हो उसे एक्रूड एक्सपेंसेस कहा जाता है, और एक्रूड एक्सपेंसेस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी शो नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस? प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंस होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस वो तमाम अखराजात होते हैं जिन्हें एडवांस अदा किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस में एडवांस बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, रेंट और इंश्योरेंस वगैरह शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर पोस्ट पेड एक्सपेंसेस? पोस्ट पेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? पोस्ट पेड एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस होते हैं जिनमें हम सर्विसेज पहले यूज कर लेते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी बिल्स, इंटरेस्ट पेएबल, जो इंटरेस्ट लग गया है किसी लोन पे और उसको हमने अब पे करना है, सैलरीज पेएबल, लेबर से हमने मजदूरी करवा ली है, लेबर ने अपना काम कर लिया है और महीने के एंड पे या एंड ऑफ द डे हमने जो है उनको सैलरीज वेजेस देनी है, सर्विसेज हमने पहले ले ली हैं और बाद में हम उन्हें जो है सैलरी वेजेस वगैरह दे रहे हैं, ये तमाम जो है पोस्ट पेड एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट एसेट से मुतलका अकाउंट्स होते हैं, या फिर इन्हें दूसरे अल्फाज में यूं कह लें कि रियल अकाउंट्स आर सच अकाउंट्स विच डील्स द एसेट्स, फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन? लोन की कितनी इकसाम है? सबसे पहले हम लोन की डेफिनेशन देखते हैं। इन फाइनेंस लोन इज द लेंडिंग मनी बाय अदर्स। लोन या कर्जा उस चीज को कहा जाता है जब कोई शख्स किसी से कोई रकम उधार लेता है, तो इसको लोन कहा जाता है। लोन की मेन छह इकसाम है जिनमें अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, सिक्योर्ड पर्सनल लोन, फिक्स्ड रेशियो लोन, वेरिएबल इंटरेस्ट लोन, डोमेस्टिक लोन और कमर्शियल लोन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज शॉर्ट टर्म लोन? शॉर्ट टर्म लोन कौन से लोन होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन उस लोन को, उस कर्जे को कहा जाता है जो एक साल के अंदर या एक साल से पहले अदा करना होता है, उसे शॉर्ट टर्म लोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज लॉन्ग टर्म लोन?
लॉन्ग टर्म लोन कौन से होते हैं? वो तमाम कर्जा जात जो एक साल से ज्यादा अरसे में अदा किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म लोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज? लाइबिलिटीज की कितनी टाइप्स हैं? लाइबिलिटीज दो किस्म की होती हैं, जिनमें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज शामिल हैं। ये सेम शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन की तरह ही है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जिन्हें एक साल में हमने अदा करना होता है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में वो तमाम लाइबिलिटीज आ जाती हैं जिन्हें हम एक साल से ज्यादा अरसे में अदा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज फाइनेंस फाइनल फाइनेंस रिपोर्ट? फाइनल फाइनेंस रिपोर्ट क्या होती है? व्यूअर्स, ये जो फाइनल फाइनेंस रिपोर्ट है, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत तैयार की जाती है, और अमूमन अक्सर ये रिपोर्ट जो है फिस्कल ईयर के एंड पे तैयार की जाती है। एक माली साल के एंड पे फाइनल फाइनेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है। व्यूअर्स, ये जो फिस्कल ईयर है, ये 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पे खत्म होता है। इस पीरियड को फिस्कल ईयर या एक माली साल कहा जाता है। ये एक अकाउंटिंग टर्म है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज डिप्रेसिएशन? डिप्रेसिएशन क्या है? डिप्रेसिएशन इज डिक्रीज इन एसेट वैल्यू ड्यूरिंग अ ईयर। इसको सादा अल्फाज में यूं कह लें कि एक चीज, हम एक बाइक फॉर एग्जाम्पल 2020 में 40,000 की परचेज की है हमने, उसको जब हम 2021 में सेल करेंगे, तो अगर वो चीज 40,000 की परचेज करने के बाद एक साल बाद 30,000 की सेल होगी, तो ये जो वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई है, ये डिप्रेसिएशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परचेज? परचेज की कितनी किस्म है? व्यूवर्स, अगर प्रोफेशनली आप देखें, अगर आपने किसी फर्म में काम किया है, तो वहां पे दो किस्म की परचेज होती हैं, जिनमें लोकल परचेज और हेड ऑफिस परचेज शामिल है। लोकल परचेज में वो तमाम परचेज शामिल है जो अकाउंटेंट मैनेजर या मुतलका बंदा जो है एक मुकामी लेवल पे जो है वो चीजें परचेज करता है, किसी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत के मुताबिक, उसको लोकल परचेज कहते हैं। और दूसरी परचेज जो है हेड ऑफिस परचेज है, जिसमें जो मैनेजर है वो एक लिस्ट तैयार करके हेड ऑफिस भिजवाता है कि हमें ये चीजें चाहिए, इन चीजों की जरूरत है। तो हेड ऑफिस जो है वो तमाम चीजें परचेज करके मुतलका ब्रांच को भिजवाता है, तो इसको हेड ऑफिस परचेज कहते हैं। अगर कॉमर्स टर्म में देखा जाए, तो परचेज दो किस्म की है, जिसमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज शामिल है। कैश परचेज वो है जिसमें फौरी तौर पे कैश लिया जाता है, कैश के इवज चीजें जो है वो परचेज की जाती हैं, और दूसरा जो है क्रेडिट परचेज है, जिसमें चीजें परचेज कर ली जाती हैं और पेमेंट उसकी कुछ अरसा बाद या मुकर्रर मुद्दत पे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट की कितनी इकसाम है? डिस्काउंट दो किस्म के होते हैं। पहला डिस्काउंट तो वो है जब कोई चीज परचेज की जाती है, तो उस वक्त जो उसकी वैल्यू होती है, उसमें बहस मुबाइसे के बाद, निगोशिएशन के बाद जो है अमाउंट अदा की जाती है, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दूसरा है कैश डिस्काउंट, जब कोई चीज परचेज कर ली जाती है और उसके बाद एक एग्रीमेंट के जरिए ये बात तय हो जाती है कि फलां डेट को मुकर्रा वक्त पे पेमेंट की जाएगी। जब पार्टी उससे पहले, उस डेट से पहले पेमेंट कर देती है, तो इस सूरत में जो मर्चेंट है वो जो डिस्काउंट करेगा, उसे कैश डिस्काउंट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑर्डिनेंस बाउंडेड द बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 जो है, ये वो ऑर्डिनेंस है जिसके तहत बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के पाबंद हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज नॉन बैंकिंग एसेट? नॉन बैंकिंग एसेट क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंकिंग एसेट क्या है। जब कोई शख्स लोन लेता है और वो लोन वापस नहीं करता बैंक को, तो बैंक जो उसके पास चीजें रखवाई जाती हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल्स वगैरह, उन्हें सेल करके अपना लोन का जो अमाउंट है वो पूरी कर लेता है। दूसरी सूरत यह है कि जो उधार लेने वाला है या जिसने लोन लिया है, वो इस काबिल नहीं है,
इस सिचुएशन में नहीं है कि वो बैंक को मुकर्रर रकम जो है अदा कर सके, और ना ही उसके पास कोई एसेट मशीनरी वगैरह है जिसे बैंक सेल करके अपनी रकम पूरी कर ले, तो इस सूरत में इसे नॉन बैंकिंग एसेट कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज प्राइवेट अकाउंटिंग? प्राइवेट अकाउंटिंग क्या है? कोई शख्स किसी एक फर्म में काम कर रहा है, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अलावा वो किसी भी फर्म को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, सिर्फ एक फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड करने की सूरत में इसे प्राइवेट अकाउंटिंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज पब्लिक अकाउंटिंग? पब्लिक अकाउंटिंग को आप इस तरह समझ लेंगे, कोई शख्स अपनी सर्विसेज मुख्तलिफ फर्म्स को, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन या मुख्तलिफ लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, तो इस सूरत में इसे पब्लिक अकाउंटिंग कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज इंटरिम अकाउंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कैंडिडेट से पूछा गया है। इंटरिम अकाउंट वो अकाउंट होता है जब एक रकम किसी मखसूस अकाउंट में ट्रांसफर करनी हो, उससे पहले जिस अकाउंट में कुछ अरसा के लिए आरजी तौर पे अमाउंट रखी जाती है, उस अकाउंट को इंटरिम अकाउंट कहा जाता है। उस इंटरिम अकाउंट में अमाउंट कुछ अरसा के लिए रख के फिर उसको जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है वहां पे ट्रांसफर कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज वर्कशीट? वर्कशीट जब अकाउंटेंट या ऑडिटर ऑडिट करने के लिए या अकाउंट्स से रिलेटेड काम करने के लिए जो शीट्स तैयार की जाती हैं वो शीट्स जो है वर्कशीट्स कहलाती हैं। अगर वर्कशीट को एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल की टर्म में देखा जाए तो एमएस एक्सेल में जिस शीट पे काम किया जाता है उसे वर्कशीट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्कशीट की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन हम जो है ऑडिट अकाउंट्स के से रिलेटेड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज आईएमएफ? आईएमएफ क्या है? आईएमएफ के बारे में बहुत से कैंडिडेट से इस इंटरव्यू के अलावा भी बहुत से इंटरव्यू में पूछा गया है। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ को 27 दिसंबर 1945 को कायम किया गया। आईएमएफ जो है ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। आईएमएफ 189 मेंबर कंट्रीज पर मुश्तमिल है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आईएमएफ का मकसद इंटरनेशनल लेवल पे तजारत को बेहतर मुस्तहकम बनाना और जो मेंबर कंट्रीज हैं इन्हें फाइनेंशियल स्टेबल करना और इनमें से गुर्बत का खात्मा करना है। आईएमएफ का जो मौजूदा एमडी मैनेजर डायरेक्टर है वो एक बल्गारियन इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को 1 अक्टूबर 2019 को आईएमएफ का एमडी अपॉइंट किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1 जुलाई 1948 को कायम किया गया। 1 जुलाई 1948 को ही कायदे आजम मोहम्मद अली जीना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा जो प्रेसिडेंट है वो रजा बाकिर हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज इन्वेंटरी मेथड? स्टोर में कोई भी चीज रिसीव या आउट करने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है उसको इन्वेंटरी मेथड कहा जाता है। इन्वेंटरी मेथड 3 है जिनमें फाइफो, लाइफो, वेट एवरेज मेथड शामिल है। फाइफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लाइफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड जो है वो वेट एवरेज मेथड है। इसमें दोनों में से फाइफो लाइफो में से दोनों में से जो तरीका सूटेबल लगता है उसके मुताबिक अमल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज द ओनर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स? जब एक ऑडिटर ऑडिट करता है जो डाटा कलेक्ट करता है वो एक एविडेंस होती है, बेशक वो डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनर ने प्रोवाइड किए हैं लेकिन वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है ना कि क्लाइंट की। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्पेसिफिक कंपनी। इट मे बी रिकॉग्नाइज साइन, डिजाइन आर एक्सप्रेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज टैक्सेबल इनकम ऑन सैलरीज? सैलरीज पे जो टैक्सेबल इनकम जो है वो 5% है। अगर सैलरी 4 लाख तक है तो उस पे किसी किस्म का टैक्स नहीं पड़ता। जैसे ही सैलरीज 4 लाख सालाना से बढ़ती है तो उस पे 5% टैक्स पड़ता है। व्यूवर्स यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लें कि ई टेस्ट चैनल पे जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस हैं
वो आपकी स्क्रीन पे आई बटन शो होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अकाउंट से रिलेटेड जो है जितनी भी वीडियो ई टेस्ट चैनल पे मौजूद हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दिया जाएगा, इसलिए उनको भी देख लीजिएगा ताकि इस वीडियो में अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो उधर से पूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? जीएसटी स्टैंड फॉर जनरल सेल्स टैक्स। पाकिस्तान में जो जनरल सेल्स टैक्स है वो 17% है, डॉक्यूमेंटेशन में 17% है। हो सकता है कंपनीज जो है इसको कलेक्ट करते हुए कम ज्यादा करती हूं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज रिकॉन्सिलेशन? रिकॉन्सिलेशन क्या है? रिकॉन्सिलेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसके तहत दो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है कि इनमें मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक होती है तो उसको खत्म किया जाता है। रिकॉन्सिलेशन जो है इसको अक्सर अकाउंट्स में रिकॉन्साइल लेजर की सूरत में इसे डिस्कस किया जाता है। दो लेजर्स होते हैं सेम कंपनीज के, एक पार्टी का लेजर होता है और दूसरा जो है कंपनी का लेजर होता है। उनमें तमाम में एंट्रीज होती हैं, तमाम एंट्रीज जितनी पेमेंट कंपनी ने की है और जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने दी हैं और जितनी पेमेंट्स पार्टी ने की है उनको फिर टैली किया जाता है ताकि किसी किस्म का अगर फर्क है तो वो वाजी हो जाए और डिफरेंस को खत्म किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज लेजर? लेजर शोज ऑल द एंट्रीज ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टी कस्टमर एंड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑल पेएबल एंड रिसीवेबल अमाउंट्स। लेजर जो है वो एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए होता है। उस लेजर में, उस शीट में तमाम एंट्रीज की जाती हैं कि इस पार्टी ने कितनी पेमेंट दे दी है या कितनी पेमेंट इसके जिमा है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस जो है ये लेजर्स पर मुश्तमिल होता है। तमाम लेजर्स के टोटल को वन बाय वन ट्रायल बैलेंस में एंटर किया जाता है। एक ट्रायल बैलेंस जो है बहुत से लेजर्स के टोटल पर मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट? स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट क्या होती है? स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो फिस्कल ईयर माली साल शुरू होने से पहले बनाई जाती है। इस रिपोर्ट में उस मुकर्रा साल के दौरान जितनी भी अचीवमेंट्स और गोल्स टारगेट्स होते हैं वो तमाम फिक्स किए जाते हैं कि इस माली साल के दौरान कंपनी ने ये टारगेट्स अचीव करने हैं। इस रिपोर्ट को, इस प्लानिंग को स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज ड्राइंग्स? ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स एक अकाउंटिंग कॉमर्स टर्म है। कोई भी ओनर या पार्टनर जो है बिजनेस का अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है, लेता है या कुछ चीजें अपने जाती इस्तेमाल के लिए लेता है तो इसको ड्राइंग्स कहा जाता है। जी नाजरीन, क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन ये एक अकाउंटिंग टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 42, हु इज करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ये जो सबका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कोई और थे, लेकिन इस वक्त जो है डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख जो है वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जी नाजरीन, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसके साथ साथ आप फर्दर अपनी तैयारी भी जारी रखें क्योंकि ये सबका पेपर से, सॉरी सबका इंटरव्यू से लिए गए क्वेश्चन हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन में कोई मिस्टेक हो तो वो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि अपनी बेहतरी के लिए फर्दर वीडियोस में उसे मजीद बेहतर किया जा सके। अल्लाह हाफिज।